विदेश भेजने के नाम पर भोले भाले लोगों पर ठगी की तलवार चलना ये आम सी बात हो गई है। ताजा मामला कुरुक्षेत्र का है, जहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उपमंडल शाहबाद के गांव रावा में एक व्यक्ति ने एजेंट से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक व्यक्ति के परिजनों ने एजेंट के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि काफी समय पहले पिहोवा के एजेंट को मृतक संजीव ने 40 लाख रुपए देकर यूएसए जाने की बात तय की थी, लेकिन एजेंट ने ना तो पैसे लौटाए और ना ही उसे यूएसए भेजा। इस बारे में कई बार पंचायत भी हुई और पुलिस को शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते संजीव मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। इसी के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। जद्दी जायदाद बेच के 5 एकड़ के करीब अपनी जद्दी जायदाद बेच के ये यूएसए जाने के लिए प्रयासरत थे और इन्होंने अपने करीब 40 लाख रुपए उस एजेंट को दे दिए थे, जिसका बॉबी नाम है, पेवा से, पेवा का रेजिडेंट है। तो हमने सामाजिक, इन्होंने पहले टेलीफोनिकली प्रयास किए, फिर सामाजिक प्रयास भी किए, एसपी साहब को भी कंप्लेंट दी, उन्होंने इकोनॉमिक सेल में दी, और जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो ये डिप्रेशन में आ गए और उस आदमी ने वहाँ पे महिला सेल में, जो इकोनॉमिक सेल था, वहाँ की कंप्लेंट में भी ये कह दिया कि मैंने तो एक पैसा भी नहीं दिया, जबकि हमारे पास बाइट्स भी हैं, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उसने पैसे लिए हैं हमारे पास, जहाँ उसको पैसे दिए हैं वहाँ उसके भी हैं, लेकिन हमारी प्रशासन की ओर से और कहीं से जब कोई मदद नहीं मिली। तो इन्होंने पहले भी फेसबुक पे डाला था कि जब मेरे को कहीं से कोई मदद ही नहीं मिल रही, मेरे सामाजिक प्रयास भी सारे विफल हैं और मैं लीगली भी मैंने देख लिया है, तो ये डिप्रेशन में थे। इन्होंने तो फेसबुक पे भी डाला, तो उसके बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो ये डिप्रेशन में थे। एजेंट से बात, हमारे अभी भी सामाजिक प्रयास चल रहे थे, पुलिस से में भी कंप्लेंट थी, अब कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम समझाते रहते थे, होपफुल थे, हमने ये भी कहा था कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। मेरी सरकार से ये अपील है कि इस तरह के केसेस को सख्ती से ले प्रशासन और उनमें अपने निजी इंटरफेरेंस से ये पैसे वापस दिलवाए जाएं और इनके खिलाफ सख्त कानून बने। अब ये जो है ना, ये अमूमन होते रहते हैं ये केस, जो भी कैंडिडेट, जो भी चाहने वाले जाते हैं वो दो नंबर में ही जाते हैं मोस्ट, और उनके कोई भी लीगल प्रूफ नहीं होता उनके पास, क्योंकि दो नंबर में तो वो पैसे, एक नंबर ट्रांजैक्शन तो लेंगे नहीं, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन तो लेते नहीं वो। अब वो एसपी ऑफिस में भी यही बयान थे उसके, मेरे पास दिखाओ मेरे पास कहाँ है पैसे, भाई पैसे तो तब दिखाएंगे ना जब तूने एक नंबर में लिए। उसने डिमांड ये की थी कि मेरे को पैसे जो है ना वो एक हार्ड कैश मिलना चाहिए। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जैसे ही पुलिस को डायल 112 को गांव रावा से सुसाइड के बारे में प्राप्त होने पर SHO देवेंद्र कुमार व पूरी टीम मौके पर आ गई और डेड बॉडी जो है ना उन्होंने पहले नीचे उतारी हुई थी और FSL टीम को आने बारे सूचित किया है, वो भी आ रहे हैं जी। उसके बाद जो इसमें 174 CRPC की जो कार्रवाई है वो अभी जारी है जी। उसके उपरांत जैसे भी आगे कार्रवाई में कोई चीज़ सामने आएगी। फिलहाल परिजनों ने पिहोवा के एजेंट बॉबी के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, अब जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। पंजाब के CCTV के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।